4 जून से लगातार इसी काम में है। जो भी संघर्ष है लोगों को मालूम है, लेकिन आज 9 तारीख 2 दिन पे धम्म चक्र अनुवर्तन आ गया 68 नंबर का 68वां। तो अभी ये जो वाटर प्रूफ दुकान बना रहे हो, पानी आएगा कीचड़। तो आज से 10-15 साल पहले इतना माहौल खराब हुआ था, हजारों चप्पलें रास्ते पर थी। बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध के प्रति जो हमारे भीम सैनिकों की जो श्रद्धा है वो पूरी हो जाएंगी, और उसके लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति की तरफ से हम लोग जो यहाँ पे जो अपना समय देते हैं, श्रम देते हैं, मैं तो 42 साल हो गए मुझे यहाँ पे डेकोरेशन और सजावट का, बाबा साहब के बड़े बड़े कटआउट वगैरह लगाने का काम मैं करते आ रहा। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे हैं कि दीक्षा भूमि आज जिस किस स्थिति में है, और दीक्षा भूमि की जो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस आने वाला है उसमें सिर्फ 4 दिन बचे रह गए हैं, और इस 4 दिन में अभी तक क्या क्या तैयारी हुई है और क्या क्या तैयारियाँ बची हुई है, इसका पूरा जायजा लेंगे और समझेंगे कि अभी तक के दीक्षा भूमि को लेकर के जो तैयारियां चल रही थी उन तैयारियों को लेकर के लोग यहां पे जो है मतलब रात और दिन काम कर रहे हैं। इसके पहले बता दें कि दीक्षा भूमि काफ़ी समय से चर्चा में आई हुई थी, जिसकी वजह से यहां पर सुशोभीकरण के नाम पर पार्किंग का भी काम चल रहा था, और उसको लेकर के सारे समाज ने और आवाज़ इंडिया ने भी यहाँ पर आवाज़ उठाई थी, जिसके वजह से वो जो मुद्दा था पूरे देश के लोगों तक, जितने भी देश के अम्बेडकराइट लोग हैं उन अम्बेडकराइट लोगों तक के यह मुद्दा पहुँचा, और इस मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन हुआ, और जन आंदोलन के चलते हुए यहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि हमारा सुशोभीकरण को विरोध नहीं है, लेकिन दीक्षा भूमि की ये जो खाली स्पेस है जहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगता है, जहाँ पर करोड़ों रुपयों की जो पुस्तकें हैं वो बेचते हैं और खरीदी बेची जाती है, तो ऐसे स्थान पर अगर पार्किंग हो गई तो फिर यहाँ के जो स्टॉल है, यहाँ की जो किताबों की दुकान है वो कहाँ लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में था, और उसी सवाल को लेकर के सारे समाज के लोगों ने कहीं ना कहीं एक आंदोलन किया था, और उस आंदोलन को लेकर के आज जो जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जगह सारी समतल हो चुकी है, और इस समतल जगह के ऊपर आज सारे स्टॉल लगे पड़े हैं और लग रहे हैं, और पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास के पार्श्वभूमि में जब हम जाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि दीक्षा भूमि में मैं जब धर्मांतरण कर रहा हूँ, मैं जब बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आज मेरा नया जन्म हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत को बौद्धमय करने का जो बाबा साहब का मिशन था, उस मिशन को लेकर के बाबा साहब हमेशा से ही काम करते रहे, क्योंकि भारत के संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इन मूल्यों को जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों से मिलते हैं, और इसीलिए भारत के संविधान में उसकी झलक जो है हमें देखने को मिलती है। इसलिए बाबा साहब का सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय करने के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहूँगा। साथियों, इस वक्त हम धम्म दीक्षा पंडाल के नीचे खड़े हैं, और यहाँ पर पूरे भारत भर से जब दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं तो इसी जगह पर पूजनीय भंते जी द्वारा लोगों को दीक्षित किया जाता है, धम्म दीक्षा उनके द्वारा दी जाती है, और फिर यहाँ पर जो लोग हैं बारी बारी से धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे दिन भर चलते रहता है, और ऐसे में पूरे देश से लाखों अनुयायी आकर यहाँ पर धम्म की दीक्षा लेते हैं और बाबा साहब के विचारों को यहाँ से लेके जाने का काम करते हैं। इसीलिए इसको एक तो क्रांति भूमि कहा जाता है, ऊर्जा भूमि कहा जाता है, और दीक्षा भूमि तो कहा ही जाता है, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि सम्राट अशोक के बाद में, तथागत भगवान गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के बाद में किसी ने विश्व पटल पर ऐसा काम किया है जहाँ पर खून का
एक कतरा गिराए बिना लाखों लोगों को दीक्षित कर दिया, लाखों लोगों को एक नया जन्म दे दिया। तो वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर धम्म दीक्षा तो ली थी, लेकिन एवला की जो सभा थी उस सभा में बाबा साहब ने प्रण लिया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा ज़रूर हूँ, लेकिन ये जो जन्म है ये मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं कदापि अपने पूरे जीवन में हिंदू करके मरूंगा नहीं। और उस समय से तकरीबन 21 से 22 साल बाबा साहब ने विभिन्न विभिन्न धर्मों का, उनके किताबों का अभ्यास किया, और उस अभ्यास को लेकर के बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को लेकर के एक ऐसी राय बनाई और धर्म को लेकर की ऐसी एक राय बनाई कि जहाँ पर मैं उस धम्म को चुनना चाहूँगा, मैं उस धम्म दीक्षा को लेकर के बाबा साहब का ये वाक्य था कि मैं उस धम्म में अपने आप को देखता हूँ जो समानता, भाईचारा, बंधुता, इन सब जो वैल्यूज़ है, ये जो मुद्दे हैं, इनको कहीं ना कहीं जहाँ पर प्राथमिकता मिलती हो, और ख़ासकर कि मैं ऐसे धम्म को चुनना चाहूँगा जिसके वजह से मेरे भारत की जो संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं धोखे में ना हो। इसलिए बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं भारत में ही जन्मे बौद्ध, जो बुद्ध धम्म जो है जिसकी पैदाइश भारत से हुई है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इसकी नींव रखी थी, और कहीं ना कहीं वो जो नेशनलिटी जो बाबा साहब के अंदर वो एक बात थी उसको भी बाबा साहब ने कहीं ना कहीं केंद्रित रखा, और इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का काम इसी दीक्षा भूमि से 1956 में किया। आज हम यह स्थिति देख रहे हैं कि इस जगह में आप अगर इधर इधर देखोगे तो बुद्ध की और बाबा साहब की एक साथ में जो मूर्ति लगी है इसके बिल्कुल सामने में कुछ 2-3 महीने पहले यहाँ पर काफ़ी जो जगह थी यहाँ पर मिट्टी का पहाड़ बना के रखा गया था, मतलब 30-30 फीट के यहाँ पर गड्ढे जो थे खोदे गए थे क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का काम चल रहा था, लेकिन समाज ने उस समय कहीं ना कहीं सही समय पर सही एक्शन लिया और उसके वजह से आज पूरी ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं समतल हो चुकी है। तो पूरी दीक्षा भूमि का जायज़ा हम आपको करवा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि दीक्षा भूमि में अभी जो है लोग आ रहे हैं, तैयारियाँ चल रही है, अभी भी वो जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे पहले से ही लोग आकर अपनी जो जगह है वो बना रहे हैं, किताबों के स्टॉल्स के लिए यहाँ पर जगह लगी हुई है, और यहाँ पर जो लोग हैं कंटिन्यूसली जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में काफ़ी कुछ तैयारियाँ अभी तक के बची हुई है, और इसीलिए लोग जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सीरियस है, कहीं ना कहीं गंभीर है। और अभी जो हाल ही में जो दीक्षा भूमि को लेकर के जो घटना हुई थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग अभी परेशान थे, लेकिन उसके बाद में अभी माहौल जो है पूरा शांत है, और इसी के साथ में पूरे देश भर से इस बार कहीं ना कहीं लाखों लोग और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर साल ये जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ते रहती है, तो इस बार कहीं ना कहीं लोग जो है वो ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं, और इसीलिए सारी तैयारियां पहले से ही चल रही है। तकरीबन 15 दिन पहले से यहां पर जो है इस दीक्षा भूमि पर ये जो प्रांगण है इस पे कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया था, और उसको चलते हुए उसको लेकर के सारे समाज के लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रमदान करने का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है अपने जो उनके पास में जो संसाधन है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से आज जो है लोग यहाँ पर दीक्षा भूमि को कहीं ना कहीं उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसी बात को लेकर के समाज जो है आज संगठित एकजुट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दीक्षा भूमि की अगर हम बात करते हैं तो दीक्षा भूमि को लेकर के आज पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, पूरे देश में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो दिन था 14 अक्टूबर 1956, जिसको हम दशहरे के दिवस में भी मनाते हैं, तो 12 तारीख को दशहरे का कार्यक्रम होने वाला है जिसे हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के नाम पर भी मनाते हैं, और उसी के साथ साथ पूरे देश से 1956 के बाद से ये जो क्रांति शुरू हुई है ये क्रांति अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये धम्म क्रांति है जिसको सम्राट अशोक के बाद में बाबा साहब ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश के लाखों और करोड़ों अनुयायियों तक के धम्म को पहुंचाया, तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो संदेश था उसको पहुंचाया, और उस संदेश को लेकर के आज पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग जो है बुद्ध को, उनके धम्म को एक आदर्श के रूप में देखते हुए उनको अपना कहीं ना कहीं प्रेरणा स्थान समझते हैं, और इसीलिए लोग यहाँ पर उनकी जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, पूरी फुटेज दिखाएंगे कि दीक्षा भूमि के चारों ओर किस तरीके की तैयारी हो रही है।
तो साथियों दीक्षा भूमि की जो तैयारियां है वो जोरों शोरों पर चल रही है, और जो यहाँ पर काम देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को लेकर के, वो सजावट को लेकर के, डेकोरेशन को लेकर के, वो हमारे साथ में है। सर स्वागत है, और ये बताइए सर ये तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे हुए दीक्षा भूमि के धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को, और तैयारी किस तरीके से चल रही है सर? पवित्र दीक्षा भूमि पे आने वाले हमारे सभी अनुयायियों को मैं सबसे पहले विनम्र अभिवादन करता हूँ, और आप बिंदास आइए, अभी दीक्षा भूमि के ऊपर में कोई अड़थड़े नहीं है। उसके प्रति बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध के प्रति जो हमारे भीम सैनिकों की जो श्रद्धा है वो पूरी हो जाएंगी, और उसके लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति की तरफ से हम लोग जो यहाँ पे जो अपना समय देते हैं, श्रम देते हैं, मैं तो 42 साल हो गए मुझे यहाँ पे डेकोरेशन और सजावट का, बाबा साहब के बड़े बड़े कटआउट वगैरह लगाने का काम मैं करते आ रहा, ऐसा अभी कुछ भी यानी आपको तकलीफ नहीं होगी, ऐसी मैं सभी अनुयायियों से प्रार्थना करता हूँ, आप बिंदास आइए और इस दीक्षा भूमि के मट्टी का दर्शन करके, बाबा साहब को अभिवादन करके आप सौखुशी से आकर खुशी खुशी अपने अपने गाँव को जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, सबका सब कुछ बराबर हो चुका है, मतलब सारी व्यवस्था पूरे जोरों शोरों से चल रही है। सर क्या बताएंगे, पूरी दीक्षा भूमि को लेकर के एक अलग माहौल बना था कुछ समय पहले, लेकिन आज चीज़ें जो है सारी कंट्रोल में है। क्या लगता है कितनी संख्या होगी इस बार जनता की? 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ जी। और इस बार पिछले बार जो दीक्षा भूमि पे जो वातावरण बन गया था, तो हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि भाई 11, 12, 13, 14 तक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम चलने वाला है, तो और सभी लोगों से गुजारिश है, जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया था तो उन सभी लोगों को हम ये चाहते हैं कि भाई दशहरे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का ये समारोह शांतिपूर्वक चले, आने वाले बाहर से जो भी लाखों लोग आने वाले हैं तो कम से कम इस बार पूरे भारत से और भारत के बाहर से भी कम से कम 30-40 लाख लोग यहाँ आने की संभावना है जी। तो और सभी नागपुर वासियों को मैं सूचना करता हूँ कि भाई इस पिछला जो आंदोलन भूलकर 14 तारीख तक कोई भी स्मारक समिति के खिलाफ आंदोलन न करते हुए या कोई भी इस समारोह में कोई भी भगदड़ न मचे, तो सभी आंदोलनकारियों ने ये लोगों को सूचना देनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर की जो दीक्षा भूमि है, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो धम्म है, इस पवित्र दीक्षा भूमि पे हमारे बौद्ध बांधव ने ऐसा कुछ भी न हो जिससे शांति भंग हो, इसलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी फेसबुक व्हाट्सअप पे भी लोग मैसेज डाल रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम न हो, किसी तरीके का दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और इस समाज में एक अच्छा मैसेज, भारत में अच्छा मैसेज कि सही में हम बाबा साहब के फॉलोअर है, बुद्ध के फॉलोअर है, और बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब के और बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं, ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, ये मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ, धन्यवाद। तो सर ने अपेक्षा की है कि आने वाले समय में जितने भी लोगों ने इस आंदोलन में सक्रियता दिखाई थी, उन सभी से निवेदन किया है कि सभी लोगों का, सभी समाज के जो लोग यहाँ पे आएंगे उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ में किसी ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से समाज को लेकर के कहीं ना कहीं बदनामी हो, और इसी बात का जो ध्यान है पूरी तरीके से समिति के ओर से भी रखा जा रहा है, और जितने भी लोग यहाँ पर एक्टिव थे आंदोलन के समय उन सभी से भी यहां पर सर ने अपील की है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर तैयारी और चल रही है। साथियों यहां पर जो है बारिश अभी शुरू हो चुकी है, और बारिश के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये दिखने को मिल रहा है कि अगर यहां पर जो जमीन समतल की गई थी तो वो जो मिट्टी थी वो नई मिट्टी थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बारिश में यहां पर कीचड़ हो सकता है, जिसके वजह से अनुयायियों को जो यहाँ पर जो आएंगे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ में कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे मतलब जमीन समतलीकरण को और अभी जो तैयारी हो रही है उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जमीन समतल हुई है, और क्या लगता है आपको कि अगर ये बारिश का मौसम ऐसा ही रहा तो कितने लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?
यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए लाखों अनुयायी यहाँ पर आने वाले हैं इस बार, क्योंकि 1 जुलाई को जो ये यहाँ पर आंदोलन हुआ तो उस वजह से लोगों की भावनाएं और दीक्षा भूमि की और ज़्यादा है। तो जो हर साल जितने लोग आते हैं उससे ज़्यादा इस बार आएंगे। अच्छा। अभी यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है ये थोड़ी पीली मिट्टी है, आज बारिश अभी चालू हो गई है, बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पर और कीचड़ और दलदल हो सकता है। तो मेरा स्मारक समिति और NIT से इतना ही कहना है कि यहाँ पर अभी जल्द से जल्द, अभी भी हमारे पास समय है, 3 या 4 दिन की है, समय है, तो आप यहाँ पर काली मिट्टी जो डस्ट आता है वो यहाँ पर डस्ट का यहाँ पर पूरा नहीं हो ये बिछाना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ तकलीफ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने जो अभी बाकी का जो भी काम है वहाँ पर सलाखें वगैरह पूरी नहीं किया, बाहर निकली होगी कोई अगर आदमी जा रहा है, कुछ अनुयायियों को यहाँ का रास्ता पूरी तरह से बराबर मालूम नहीं, जहाँ जगह मिलेगी लाखों लोग रहेंगे, इधर उधर जाने के लिए लोग ये रहेंगे, बट वहाँ पर सलाखें खुली है वो किसी के पैर में लग सकती, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो वही शासन प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पर दीक्षा भूमि दर्शन लेने के लिए आएंगे लोग, अब माता यहाँ की मिट्टी उठा के लेके जाते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। अभी भी समय है 4 या 5 दिनों का, अभी ये पहली बारिश है तो ऐसा हाल है और उस वक्त क्या होगा। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए भी आजू बाजू के परिसर में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यहाँ पर ज़्यादा गर्दी भीड़ भाड़ ना हो। बस इतना करना चाहूँगा, मेरा नाम है राकेश, दीक्षा भूमि संघर्ष समिति की ओर से। क्या बताना चाहेंगे सर, क्योंकि बारिश अभी शुरू हो चुकी है, दीक्षा भूमि की तैयारी चल रही है, ऐसे में भाई साहब ने कहा कि ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर ज़मीन गीली हो सकती है, कीचड़ हो सकता है और ऐसे में अनुयायियों को कहीं ना कहीं समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो साथियों, इस दीक्षा भूमि के लिए हम 4 जून से लगातार इसी काम में है, जो भी संघर्ष है लोगों को मालूम है, लेकिन आज 9 तारीख 2 दिन पे धम्म चक्र अनुवर्तन आ गया 68 नंबर का 68वां। तो अभी ये जो वाटरप्रूफ दुकान बना रहे हो, पानी आएगा कीचड़, तो आज से 10-15 साल पहले इतना माहौल ख़राब हुआ था, हजारों चप्पलें रास्ते पर थी। तो अभी ये जो गड्ढा बुझाने के बाद जो कीचड़ वाली मट्टी इन्होंने लाए है, तो हमारा ये कहना है, वैसे स्मारक समिति हटाने के लिए तो हमारा आंदोलन चालू है, लेकिन जो प्रशासकीय मैनेजमेंट है, मीना जी, कमिश्नर साहब, आपसे अनुरोध करते हैं भीम सैनिक कि आप काला डस्ट, 3 इंच का काला डस्ट, जहाँ जहाँ मट्टी है, जो उधर लोग रहने वाले लाखों लोग, या काला डस्ट लाने की आप व्यवस्था करें। इसके लिए हम दीक्षा भूमि पर अभी 1 घंटा पहले आए, चैनल वाले आए, धन्यवाद साथियों, हमारा संदेश जाने दीजिए, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि बारिश अगर ज़्यादा होती है, तेज़ बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कीचड़ होगा और कीचड़ की वजह से अनुयायियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन स्पेस जो है, इस ओपन स्पेस में लोग ज़मीन पर सो जाते हैं और उसी लिए उनको रात गुजारने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन्होंने प्रशासन से विनंती की है कि इनके रहने की भी कहीं व्यवस्था किसी अच्छी जगह पर की जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें ऊपर रहने के लिए शेड हो, उनके बाकी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उनकी व्यवस्था हो। तो इस तरीके की मांग जो है यहाँ पे अनुयायी कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के ये जो है उनका कहना ये है। अभी देख पा रहे हैं कि पूरी दीक्षा भूमि में तैयारी तो चल रही है, लेकिन बारिश अपने उफान पर है। देख पाएंगे कि बारिश जो है कंटिन्यू, आधा घंटा हो गया है जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब से बारिश शुरू हो गई है और काम कहीं ना कहीं रुक सा गया है, लेकिन दिखाना ये भी चाहेंगे कि तैयारी जो है वो कोशिश है कि तैयारी कम से कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादा हो सके और अनुयायियों को यहाँ पर कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इस दीक्षा भूमि को लेकर के कहीं ना कहीं एक जो वातावरण बना था उसको लेकर के लोग काफ़ी भावनिक थे और उस आधार पर लोग यहाँ पर जो है ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं, अनुयायी ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान जो है शासन प्रशासन ने रखेंगे, ऐसा शासन प्रशासन से हम आशा और उम्मीद करते हैं। साथियों, हम जब भी दीक्षा भूमि को देखते हैं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर, तो दीक्षा भूमि हमें सज धज के एकदम नए रूप में दिखती है और जहाँ पर लाखों लोग आकर के दीक्षा भूमि को देखते हैं और यहाँ से बुद्ध के धम्म को घर लेके जाने का काम करते हैं। लेकिन इस दीक्षा भूमि के तैयारी, साज सजावट के पीछे बहुत लोगों की मेहनत भी जो है हमें देखनी होती है। तो आज हमारे सामने
अभी दीक्षा भूमि के प्रांगण में ये जो तैयारी चल रही थी, इस तैयारी के पीछे ये वो लोग हैं जिनका कभी जिक्र नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि इन लोगों का भी जो है बड़ा योगदान होता है कि दीक्षा भूमि को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी 15 दिनों से ये लोग शुरुआती दौर से काम कर रहे हैं और आखिरी तक के वे काम करते रहते हैं, तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि दीक्षा भूमि को लेकर के ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दीक्षा भूमि के जितनी भी जो व्यवस्था है, चाहे पंडाल बनाना हो, चाहे गड्ढे खोदना हो, चाहे मंडप बनाना हो, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो धम्म दीक्षा का यहाँ पर जो बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इसको बनाने का भी जो काम है ये लोग काफ़ी मेहनत से करते हैं और इनका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हम ऊपर की चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत होती है उस मेहनत को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसलिए बाबा साहब ने जो समानता की बात कही थी, मैं समानता को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि समानता का मतलब ये होता है कि हर किसी का जो योगदान है उसको समान रूप से देखा जाए, और समान रूप के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ पर व्यवस्था करने का काम करता है, उसका भी उतना योगदान है, और जहाँ पर एक सामान्य मजदूर यहाँ पर काम करता है उसका भी उतना ही योगदान है, और इस बात को हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए। अभी तो बारिश शुरू है लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो ये सारे जो लोग हैं वो अपने अपने काम में लग जाएंगे और आने वाले 4 दिन में हमें जो तैयार दीक्षा भूमि दिखेगी, एक नए रूप में दीक्षा भूमि दिखेगी, उसका योगदान आज ये जो दे रहे हैं उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।